हेलो दोस्तों चलो फिर बनाते मूंग दाल के लड्डू तो यहाँ पे मैंने ना बिना छिलटे वाली पीली दाल रहती है मूंग की वो ली है तो ये मैंने साफ करके ले ली है पहले ही तो यहाँ पे हमें धोना बोना नहीं है इसे बस अच्छे कोरे कपड़े से साफ़ कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे मैंने माप कैसे लिए वो बता देती सेम वही माप से वाटी से सब माप लेना है हमें तो मैंने यहाँ पर एक वाटी पूरी भर के यहाँ पर मूँग की दाल ले ली है और एक बर्तन जो रहता है जो मोटी जो भगोना रहता है जिसमें तलवा जो रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है उससे में हमें सब चीज़ें सेकनी है तो यहाँ पे पहले मूंग की दाल ले ली है उसे हमें सेकना है बस उसकी थोड़ी मॉइस्चर उड़ जाए उतना ही सेकना है बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है हमें कि उसका कलर चेंज हो जाए और वो थोड़ी सी लालास कलर की हो जाए उतना नहीं सेकना है देख लीजिए मैंने सेक लिया है सिर्फ दो तीन मिनट ही सेका है और आप देख लीजिए उसका कलर बिल्कुल भी हमने चेंज होने नहीं दिया है बस फिर हमें उसे ट्रांसफ़र कर लेना है दूसरे बर्तन में उसे थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है मीस ठंडा होने देना है और ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद हमें मिक्सी में ले लेना है उसका माय एकदम पूरा पाउडर बना लेना है एकदम बारीक वाला जिससे हम लोग पीसने के एकदम पाउडर जैसा रहता ना वैसे थोड़ा पाउडर बना देना है थोड़ा ठीक है बिल्कुल भी एकदम ये जो हम लोग दाने वाले रहते वैसा नहीं बनाना है एकदम में ही पीस लेना है ये देख लीजिए मैंने पूरा बर्तन में ले लिया है पीसने के बाद और यहाँ पे मैंने दो वाटी यहाँ पे खड़ी कर लिए है बड़ी वाली ठीक है आप इसके बदले आप एक वाटी पूरी जो पहले मैंने जो बर्तन लिया था उसमें वाटी रखी थी सेम वाटी से हाँ आपने शुगर ले लेनी है अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी और ज़्यादा ले सकते हो ठीक है और इसे भी हमें मिक्सी में पीस लेना है बारीक सा और ये दोनों को छान लेना है जैसे मूंग की दाल को हमने लिया था पाउडर उसको भी छान लेना है और उसे भी छान लेना है शक्कर को पाउडर को ये दोनों मैंने छान लिया है और उसके बाद मेक और भगोने लेना है जो मोटी जो रहता है नीचे तलवा वो ही लेना है जिस वजह से वो नीचे चिटके ना और हमने गैस ऑन करके इसे हमें यहाँ पे मेन स्टेप है यहाँ पे थोड़ी सी भी भूल चुक नहीं करना शांति से काम करना दूसरा काम नहीं करना इसके साथ इसे सेकने देना है मतलब कि आपको इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना है और ध्यान रखिए ये सब स्लो टेम्परेचर पे ही काम करना है और हमें सेकना है और सेकने के बाद जैसे सुगंध आना स्टार्ट हो जाए हमें पोनी बाटी सेम वाटी से ही मैंने सब माप लिया है आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे पौनी वाटी ली है एक साथ घी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है ये देख लीजिए मैंने घी डाला और एक मिश्र हो जाने के बाद वापस थोड़ा सा घी लिया और फिर वापस मिक्स किया वैसे करके मैंने तीन बार में ही पेच में मैंने घी थोड़ा थोड़ा एडिंग किया है एक साथ ऐड नहीं किया उसमें से मैंने दो से तीन चम्मच साइड पे निकाला है क्योंकि बाद में वो काम में आएगा अपना इतने ही में ही अगर आपको अगर समझो कि और ज़्यादा ऐसे आपका आटा ऐसे है हो गया है कि ज़्यादा लग रहा है तो आप वो तीन चम्मच और ऐड कर सकते हो ठीक है ये देखिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मेरा एकदम मिक्स अच्छे से हो गया और देखो घी एकदम छूटने लगा है इससे यहाँ पे जो मेन स्टेप ये है कि इसको चिटकने नहीं देना है तो आपको हाथ को हिलाते रहना है थोड़ी सी कसरत हो जाएगी आपकी हाथों के तो थोड़ा हिलाते रहिए क्योंकि ये भगोने में चिटक सकता है तो इसको चिटकने नहीं देना नहीं तो बहुत बुरी वाली स्मेल आती है उसमें से खाने के वक्त भी वो कड़ू सा लगता है जैसे कड़वा आती है ना वैसे हो जाता है तो यहाँ पे मेन स्टेप है तो इसे चुकना नहीं पाँच मिनट तीन मिनट अच्छे से सेकिएगा थोड़ा सा कलर चेंज होने दीजिएगा ये देख लीजिए थोड़ा सा घी छूटने लगा है एकदम से छूटने का नहीं एकदम से अलग नहीं हो जाएगा बट थोड़ा सा आपको दिखेगा लाया तो यहाँ पे देख लीजिए जब आपके ऐसे फूलने लगेगा ना जब तभी आपको समझ में आ जाएगी भी आपका ये रेडी हो गया है ठीक है अभी मैंने ये थोड़ा साइड पे रख दीजिए क्योंकि इसको ठंडा होना दीजिए एकदम से जो मिक्सर में पीसी हुई जो शक्कर है वो डायरेक्ट खड़ी शक्कर वाला मिक्र इसमें मिक्सिंग नहीं करना है नहीं तो क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप ये है और टिप्स ये है कि ये जो हमने मिश्रण बनाया है उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा उसके बाद ही आपको ये शक्कर डालनी है पीसी हुई और फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा थोड़ी सी भी इसमें दाने नहीं आने चाहिए शक्कर के भी जो कभी कभी जब पीस के रखते हैं बहुत टाइम तक तो उसमें गुटलियाँ आ जाती हैं तो वो सारी गुटलियाँ को भी आपको मिक्स कर देना है ठीक है मैं अभी हाथों से नहीं कर रही हूँ चम्मच से कर रही हूँ मगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गुटलियाँ ज़्यादा है तो आप अपना हाथ यूज़ करके भी अच्छे से उसे तोड़ दीजिएगा ठीक है ये देखिए इस तरह से हो गया अभी ये देखो मिश्रण मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैंने जो तीन चम्मच दो चम्मच मैंने कहा था मैंने साइड पे रखा है वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है ये देख लीजिए अब मैं क्या करूँगी जो बारीक बारीक है ना उसमें मैंने थोड़ा घी ऐड किया और बहुत गर्म है क्योंकि कैसे है कि मैंने जब आ, किया था उसके बाद भी थोड़ा सा गर्म था ये देख लीजिए मैंने थोड़ा तीन चम्मच घी ऐड करने के बाद पूरी पूरा शाइनिंग आ गया जो हमारे लड्डू में जो शाइनिंग चाहिए जो एकदम ऐसे घी छलकना चाहिए वो देख लीजिए छलक रहा है मेरे हाथों को भी लग रहा है मैंने हाथों को थोड़ा सा घी से ये कर लिया था हाथ को लगाने के बाद लड्डू बना रही हूँ आप देख लीजिए घी का पूरा मिश्रण ऐसे बाहर आ रहा है और हाथों को भी लग रहा है और हमारे लड्डू बहुत अच्छे बने हैं और आप भी वन अटम में मैं आपको गारंटी बता देती हूँ कि कोई नया बंदा भी इसे मेरे माप से मैंने जिस तरह से बताया उसी तरह से बनाएगा तो वन अटम में ही उसके लड्डू बेहतरीन बनेंगे और हाँ मैंने ये इसमें कोई एलायची पाउडर नहीं ऐड किया है मैंने ना कोई ड्राई फ्रूट ऐड किया है क्योंकि मैं ये महाराज साहब को आ, देने जाऊँगी मैं इस हमारे में वो राना बोलते हैं तो मारा साहेब को देना है इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला कुछ नहीं डाला है देख लीजिए कितने तोड़ने के बाद आप देख सकते कितने हो कितने मऊ से हो गए एकदम सॉफ्ट से हो गए इसको वापस मैं लड्डू बना के भी दिखा दूँ कि वो टूटने के बाद भी देखो एकदम तुरंत मिक्स हो जा रहे हैं ऐसे कड़क नहीं हुए और ये मैं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ फिर भी सेम हो ऐसे ही हमारे लड्डू बाइंड हो रहे हैं तो आपके भी वैसे ही बनेंगे तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिएगा बहुत थैंक यू